ये मैंने लिखा बेटा बोर्ड पे गुड्स, यानी कि बेटा कोई भी अगर बिजनेस है, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या होगा? गुड्स। यानी कि अगर हम कभी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने की बात करेंगे, उसके लेन देन की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा वर्ड अपने पास आएगा? गुड्स। क्योंकि हमेशा अगर मैं मान लो मैं स्टेशनरी का डीलर हूं, तो मैं पूरे टाइम किसकी बात करूंगा? सर स्टेशनरी की बात करेंगे। और अगर मैं मान लो फर्नीचर का डीलर हूं, तो मैं पूरे टाइम किसकी बात करूंगा? मैं फर्नीचर की बात करूंगा। इसलिए गुड्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म अकाउंटिंग के लिए रहेगा। और हम आगे कुछ काम करें उससे पहले हमें सबसे बेसिक के अंदर गुड्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आज गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की टर्म को एकदम अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। अच्छा जी सर, तो देखिए गुड्स क्या होता है। सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। गुड्स क्या है? व्हाट इज गुड्स? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स वो है जिनके अंदर बिजनेस क्या करता है? डील करता है, व्यापार करता है। यानी कि हमारा मेन काम ही इस पर्टिकुलर गुड्स में, वो गुड्स अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको और सिंपली मैं लिख सकता हूं, गुड्स आर द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। यानी कि बेटे गुड्स वो है जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, खरीदा और वापस बेच दिया। जैसे आप देखते हो मेरा बेटा एक स्टेशनरी शॉप चलता है, क्या नाम है उसका? नवीन बुक स्टोर। बेटा ये यहां पे मैं क्या हूं? स्टेशनरी डीलर। मैं क्या हूं? स्टेशनरी डीलर। तो अभी मैं रजिस्टर्स परचेज करता हूं, मैं मार्कर्स परचेज करता हूं, मैं पेन परचेज करता हूं, बुक्स खरीदता हूं, नोटबुक्स खरीदता हूं, स्टेशनरी का जितना भी सामान है, ये सारा जो भी मैं सामान परचेज करता हूं, तो इसका वापस से मेरा पर्पस क्या है? रीसेल। मैं क्या करूंगा, ये सारा सामान एज इट इज क्या कर दूंगा? रीसेल कर दूंगा। मैंने खरीदा, वापस रीसेल कर दिया। मैंने बेटा मार्कर खरीदा 15 रुपए में और मैंने इसको रीसेल कर दिया 20 रुपए में। हाँ सर प्रॉफिट। हाँ बेटा प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस करते हैं हम लोग, बिना प्रॉफिट तो थोड़ी ना करूंगा। तो मैंने 15 में ये मार्कर मैं खरीदता हूं और इसको मैं 20 रुपए में आगे सेल कर देता हूं। तो ये मार्कर बेटा मेरे लिए क्या है? सर मार्कर आपके लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि आप मार्कर के अंदर डील करते हो। आप स्टेशनरी का जितना भी सामान है वो सारा सामान मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो क्या लिखा हमने? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। वो गुड्स आपकी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मान लो मैं फर्नीचर का डीलर हूं, तो जितना भी फर्नीचर है वो फर्नीचर मेरे लिए क्या है? सारा गुड्स है। तो मैं सर मार्कर पेन ये सब जब खरीदूंगा, तो मैं क्या इनका सबका अलग अलग नाम रिकॉर्ड करूंगा या मैं इनको सीधे गुड्स यूज करूंगा? तो बेटा इनको सारों को एक साथ ही हम क्या बोल देते हैं? गुड्स। जिन जिन गुड्स जिन जिन सामान के अंदर मैं डील करता हूं, वो सारे मेरे लिए क्या है? गुड्स है। वो एक सामान हो सकता है और बहुत सारे सामान हो सकते हैं। मान लो एक एसी का डीलर है, एयर कंडीशन बेचता है, तो उसके लिए एसी क्या है? गुड्स है। एसी खरीदता है, एसी रीसेल कर देता है, तो एसी उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो गुड्स है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर गुड्स फॉर ए स्टेशनरी डीलर, उसी तरह वॉचेज आर गुड्स फॉर ए वॉच डीलर, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स आर गुड्स फॉर लिनोवा कंपनी। बेटा लिनोवा कंपनी का काम ही क्या है, लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह या इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के अंदर डील करना। तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स लिनोवा कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे, गुड्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी का काम क्या है बेटा, उसका काम है कार बनाना। तो जो कार्स हैं वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो जो जिस चीज के अंदर डील कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? अच्छा अभी जो गुड्स है, गुड्स को हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसको अलग अलग अकाउंट वाइज क्लासिफाई करते हैं। कितने अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं, 5 अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। अभी मैं और डिटेल के अंदर जब इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे तो और डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि गुड्स की और क्या क्या यहाँ पे डेफिनेशन हो सकती है। अभी क्लियर डेफिनेशन ये आपको क्लियर हुई कि गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर बिजनेस डील करता है, जिनके अंदर हम व्यापार करते हैं। मेरा मेरा अगर काम फर्नीचर का है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, मेरा काम स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स है, मेरा काम अगर ट्रक बनाने का है तो ट्रक मेरे लिए गुड्स बन जाएगा। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। अब देखना गुड्स के अंदर जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो क्या क्या अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज, कब हम परचेज बोलेंगे, और क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स, और क्या यूज करेंगे, परचेज रिटर्न, फिर क्या यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न और फाइनली स्टॉक। क्लियर है? यानी कि गुड्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शंस जो भी होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शंस गुड्स से रिलेटेड होते हैं, इसलिए गुड्स को हमें अच्छे से समझना है। और गुड्स के लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है, गुड्स में किस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम अलग अलग तरह के अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो कितने तरह के अकाउंट्स हम गुड्स के लिए ओपन करते हैं, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच वी ओपन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स। वही परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न, स्टॉक अकाउंट। तो ये अकाउंट मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं परचेज अकाउंट फर्स्ट। तो इसका गुड्स के डेफिनेशन का सब पार्ट अपने लिख रहे हैं। गुड्स के अंदर सबसे पहले हम समझ रहे हैं परचेज अकाउंट। परचेज क्या होता है, यानी कि परचेज को अगर समझना है तो यह समझना, द टर्म परचेज इज यूज्ड, दो पार्ट्स में इसको हम समझ रहे हैं। किसी भी बिजनेस के लिए परचेज क्या होगा, सर जब वो गुड्स खरीदेगा, गुड्स की खरीदने को क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। और गुड्स जो है वो किस लिए खरीद सकता है, फर्स्ट गुड्स है वो दो काम के लिए खरीद सकता है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। यानी कि गुड्स मैंने खरीदा, मैंने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी किस लिए खरीदा, रीसेल करने के लिए, वापस बेचने के लिए। और दूसरा क्या हो सकता है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। यानी कि अब अच्छे से देखना गुड्स की परचेज क्या क्या हो सकती है। एक तो मैं हमेशा बिजनेस के अंदर जो अगर बात करें तो दो टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग
एंड द अदर वन इज मर्केंडाइजिंग, यानी कि ट्रेडिंग। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या फिर मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे लिए गुड्स क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे देखना, यहां पे बेटा ये मैंने मार्कर खरीदा, क्या ये मार्कर मैंने बना बनाया खरीदा, हाँ, क्या मैं इसको एज इट इज बेचूंगा, हाँ जी सर। तो फिर ये मार्कर जो है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, डील कर रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं। मार्कर मेरे लिए क्या होगा, सीधा रेडीमेड गुड्स है और मैं उसको सेल करूंगा। लेकिन बेटा मान लो मैं एक स्टेशनरी डीलर नहीं बल्कि लिनोवा कंपनी हूं, लिनोवा। तो लिनोवा बेटा क्या बनाती है सर, ये कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है बेटा, या लैपटॉप्स बनाती है। तो लिनोवा कंपनी जब लैपटॉप्स या ये बनाएगी, तो ये बनाने के लिए क्या ये सामान परचेज करेगी, हाँ जी सर। अच्छा, क्या ये लिनोवा कंपनी डायरेक्ट लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदती है, नहीं जी सर नहीं, ये लैपटॉप और कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदती है या फिर कुछ पार्ट्स खुद घर पे बनाती है और फिर उनको असेंबल करके मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। यानी कि लिनोवा कंपनी कुछ पार्ट्स बाहर से भी खरीदती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड, स्क्रीन, मॉनिटर और भी कई पार्ट्स होंगे, मदरबोर्ड, ठीक है, प्रोसेसर। यानी कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनको लिनोवा कंपनी बाहर से परचेज करती है। इनको परचेज करके फिर क्या इनको एज इट इज बेच देती है, नहीं सर, ये तो स्टेशनरी वाले का काम है, खरीदा एज इट इज बेच दिया, तो स्टेशनरी डीलर क्या कहलाता है, ट्रेडर। तो ट्रेडर के लिए गुड्स क्या होते हैं, जो खरीदे जाते हैं रीसेल करने के लिए। बट मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स वो नहीं होते जो रीसेल के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमेशा गुड्स खरीदता है किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। किसका प्रोडक्शन, फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन। यानी कि लिनोवा कंपनी गुड्स खरीदती है फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस यहां पे लिनोवा के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो गया, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं, जो आइटम्स खरीदे जाते हैं, वो आइटम्स लिनोवा कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, परचेज। तो जब ये हार्ड ड्राइव खरीदेगी, रैम खरीदेगी, कीबोर्ड खरीदेगी, स्क्रीन, प्रोसेसर, मदरबोर्ड वगैरह जब परचेज करेगी, तो हम इनकी परचेज को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट। तो बेटा जब लिनोवा कंपनी इन सब इक्विपमेंट्स की परचेज करेगी ताकि फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सके, तो इन सब की परचेज को हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्या हम हार्ड ड्राइव, रैम या इन सारे इक्विपमेंट को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे या फिर सिर्फ एक नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जी सर, इनको हम एक ही नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट। क्या हुआ, तो परचेज अकाउंट कब यूज होता है, जब गुड्स की परचेज हो। और गुड्स क्या होते हैं, जो या तो रीसेल कर दिए जाएंगे या फिर गुड्स से फिनिश्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को रीसेल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही एकदम शॉर्ट के अंदर एकदम अच्छी सी डेफिनेशन है कि फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, या तो गुड्स मैं खरीदता हूं रीसेल करने के लिए, और दूसरा हो गया कि मैं गुड्स खरीदता हूं प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन करने के लिए, किसका, फिनिश प्रोडक्ट का, टू बी सोल्ड, जिनको बेच दिया जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के ये मैं डायरेक्टली नहीं बेच के, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट बना के रीसेल ही करने वाला हूं इनको, बट मैं इनको लैपटॉप कंप्यूटर के फॉर्म में रीसेल करने वाला हूं। मैं क्या इनको अपने पास ही रख लूंगा, नहीं, लिनोवा कंपनी इनको अपने पास नहीं रखती है, असेंबल किया, असेंबल करके उनको वापस से करना क्या है, फिनिश प्रोडक्ट बना के रीसेल करना है। तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है जिसका काम ट्रेडिंग है, मर्केंडाइजिंग है, दूसरा जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोनों के लिए जो है परचेज है, वो गुड्स की परचेज क्या होगी वो हमने समझा। उसके बाद में सर अगला अकाउंट हमने लिखा हुआ है सेल्स, तो सेल्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे परचेज वैसे ही सेल,
सेल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा है। सेल्स यानी जो ये टर्म है सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स, सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स इन विच वी डील्स या फर्म डील्स। ऐसे गुड्स जी जिनके अंदर हम डील करते हैं उनको बेचने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सेल्स वर्ड यूज होता है। यानी कि जैसे अगर मान लो मैं स्टेशनरी का डीलर हूं, तो मैं जब स्टेशनरी बेचूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा सेल्स। जब मैं लैपटॉप कंप्यूटर का डीलर हूं तो मैं लैपटॉप बेचूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, सेल्स अकाउंट। ये हुआ व्हाट इज सेल्स। सेल्स मतलब जिन गुड्स के अंदर हम लोग डील करते हैं उन गुड्स को अगर सेल करें तो क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला पॉइंट है परचेज रिटर्न। तो अभी देखते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है। ये अपनी थर्ड टर्म है परचेज रिटर्न। मान लो मैं स्टेशनरी का डीलर हूं और मैं क्या खरीद के लेके आया, मार्कर। मैंने क्या परचेज किए, मार्कर। तो बेटा ऐसा कोई जरूरी है कि सारे मार्कर अच्छे हो, कुछ दिक्कत भी तो हो सकती है। तो ये देखना, ये मार्कर तो बेटा एकदम सही है, मैंने इसको यूज करके देखा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो ये मैंने मार्कर परचेज किया, ये मार्कर इसमें बेटा देखो यहां इंक लीक हो रही है, मार्कर के अंदर इंक लीक हो रही है और ये मार्कर एकदम फिट नहीं है, तो क्या इस मार्कर को मैं रख लूं, क्या मैं इस मार्कर को रख लूं, इसको मैं रीसेल करूं ऐसे ही टूटे फूटे को? ना जी ना सर, कस्टमर से रिलेशन खराब हो जाएगा। हाँ जी बेटा, इसलिए मैं इस मार्कर को क्या कर देना चाहता हूं, रिटर्न। जो मार्कर मैंने, जिस गुड्स की मैंने परचेज की थी वो मैं वापस क्या कर रहा हूं, सप्लायर को रिटर्न कर रहा हूं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के अंदर नोट कर लेते हैं कि परचेज रिटर्न क्या है। तो बेटा गुड्स को मैं अगर खरीदे हुए गुड्स को अगर मैं रिटर्न कर देता हूं वापस, तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। और रिटर्न किस लिए करूंगा मैं, या तो डिफेक्टिव हो सकते हैं या लो क्वालिटी गुड्स है, मैंने जो क्वालिटी डिमांड की थी उसकी जगह मेरे को लो क्वालिटी का गुड्स सप्लाई कर दिया है, तो मैं उस गुड्स को वापस क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और जब भी मैं खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न करूंगा तो क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। उसके बाद एक और वर्ड आता है अपना सेल्स रिटर्न। What is sales return? Sales return कब यूज करेंगे, तो sales return भी लिख लेते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा। Customer may also return goods to the firm. जैसे हम अपने supplier को return कर देते हैं, मान लो यही जो marker मैंने अपने customer को बेचा और वो customer को अगर पसंद नहीं आया, तो customer क्या, हम लोग करते हैं ना routine के अंदर करते हैं ना, आप लोग जैसे सामान खरीदते हो तो सच्ची सच्ची बताना कि कभी पसंद नहीं आए तो आप सामान वापस रिटर्न करते हो कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ। तो बेटा वही, जब आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप उस सामान को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो मेरा बेचा हुआ सामान अगर मुझे वापस रिटर्न आया तो मैं क्या बोलूंगा, सेल्स रिटर्न। एंड ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। इसी को सेल्स रिटर्न को ही एक और नाम बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न को भी बोला जा सकता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न यानी कि वापस आना। अब जो बताना,
कस्टमर अगर मुझे रिटर्न कर रहा है वापस, कस्टमर मुझे रिटर्न कर रहा है, तो सामान आ रहा है कि जा रहा है? सामान आ रहा है या जा रहा है? कस्टमर ने मुझे दे दिया, ये वापस आ गया मेरे पास, तो क्या हुआ? इनवर्ड हुआ ना। इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड, या सेल्स रिटर्न, या रिटर्न इनवर्ड। और जब मैं अपने सप्लायर को वापस दे रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि ये मुझे पसंद नहीं आया, ये वापस रख लो, तो मैं क्या कर रहा हूं? रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि सामान मेरे से वापस जा रहा है। इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। तो ये चारों टर्म अपने को क्लियर हुई कि जब भी गुड्स है, पहली चीज तो गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर हम डील करते हैं, जिसके अंदर हम बिजनेस करते हैं, या तो हम मैन्युफैक्चरर हैं या हम ट्रेडर हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स हमारे लिए वो है जो हम खरीदेंगे ताकि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके, और फिर उसको हम रीसेल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया लिनोवा का। और अगर हम ट्रेडर हैं, मर्केंडाइज हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? बना बनाया गुड्स खरीदते हैं, हम सीधा उसको रीसेल कर देते हैं। खरीदते ही सिर्फ रीसेल करने के लिए, बीच में हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो भी वो हमारे लिए गुड्स है। और मैन्युफैक्चर के लिए जो प्रोडक्शन में सामान यूज होता है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन पर्पस दोनों के अंदर क्या है? रीसेल। अब मान लो लिनोवा कंपनी या कोई और कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के अंदर मान लो कुछ मशीन्स यूज करती है, तो क्या वो मशीन्स गुड्स होंगे? सोचो बेटा कि मान लो ये मार्कर बनाने के लिए ही मुझे कुछ मशीन्स यूज करनी पड़ती है ताकि मैं इसको शेप दे सकूं, इंक फिलिंग करूं, इसमें कैप बनाता हूं, तो उसके लिए क्या यूज करता हूं? कुछ मशीन्स का यूज करता हूं। तो क्या वो जो मशीन्स मैं यूज कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए गुड्स हैं? नहीं सर, नहीं। मशीन रीसेल थोड़ी करोगे आप? ये मशीन से मार्कर्स बन गए, मैन्युफैक्चर हो गए, क्या वो मशीन मैं रीसेल कर दूंगा? ना जी सर, ना। वो मशीन तो कंटिन्यूअस यूज करने के लिए होती है, जो चीज हम रीसेल करते हैं वही हमारे लिए क्या होता है? गुड्स होता है। तो सर मशीन्स वगैरह या जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्शन के अंदर, वो टूल्स वो मशीन्स मेरे लिए गुड्स नहीं होंगे। गुड्स केवल वही होते हैं जिनका फाइनली लास्ट टू लास्ट जाकर के ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीसेल, टू बी सोल्ड, यानी कि जिनको बेचा जाएगा उसे ही हम गुड्स बोलते हैं। जो हम यूज करते रहेंगे, रीसेल नहीं करना है जिसका पर्पस, उसको हम गुड्स नहीं बोलते हैं। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हुए। अच्छा, उसके बाद में पांचवा पॉइंट स्टॉक। तो बेटा अभी मैंने आपको कहा कि वो हमारा स्टेशनरी डीलर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि अगर अभी आपको कहा जाए कि आप उसके पास जाओ, स्टेशनरी वाले के पास अभी आप जाओ और जाकर के चेक करो कि क्या उसके पास कुछ सामान पड़ा है, क्या उसके पास कुछ सामान पड़ा है, तो आप जाओगे और स्टेशनरी की दुकान पे आपको क्या दिखने वाला है? हाँ सर, हाँ, स्टेशनरी के डीलर के पास सब सामान अवेलेबल पड़ा है अभी भी, यानी कि सामान कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनी टाइम कुछ वैल्यू का गुड्स उसके पास एनी टाइम अवेलेबल रहता है। और ये हम पीरियोडिकली चेक करते हैं, रूटीन में चेक नहीं करते हैं। ईयर एंड होने पे हम चेक करते हैं कि कितना सामान हमारा बचा हुआ पड़ा है। तो वो जो सामान जो उसके पास में आज भी अभी पड़ा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है, यानी कि अभी आप स्टेशनरी वाले डीलर के पास अभी जस्ट जाओ और चेक करो कि क्या उसके पास में कुछ सामान पड़ा है। जो सामान उसके पास बचा हुआ पड़ा है, उसी सामान को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो कोई भी बिजनेस फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एनी टाइम कुछ ना कुछ स्टॉक तो पड़ा ही रहेगा। जो गुड्स का जो स्टॉक बचा हुआ रह जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो परचेज, गुड्स परचेज करने के लिए किस लिए परचेज करते हैं? सेल्स, जो हम डील करते हैं वो गुड्स सेल करते हैं, तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लियर हुआ। और स्टॉक यानी कि जो रिमेनिंग रह जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक। चलिए अभी स्टॉक क्या होता है बेटा लिख भी लेते हैं इसको हम लोग, स्टॉक क्या होता है ताकि हमें पता रहेगा। लिखिए,
यानी कि स्टॉक रेफर्स टू द टेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, स्टॉक को हम देख सकते हैं कि नहीं, टच कर सकते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने लिखा टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय द फर्म फॉर आइदर प्रोडक्शन और रीसेल। स्टॉक वो है जिससे या तो मैं प्रोडक्शन करूंगा या फिर मैं रीसेल करने के लिए जिसको मैंने रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। और स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो आपका मोस्टली या तो बिगिनिंग में या ईयर के एंड में, इसीलिए स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक अगर ईयर के बिगिनिंग के अंदर पड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, ईयर के एंड में पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होता है, पीरियोडिक बेसिस पे होता है। क्लियर हुआ? तो जो सामान बचा हुआ रह जाए, जो गुड्स बचे हुए रह जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। स्टॉक आपका तीन तरह का हो सकता है, वो कौन कौन से सर? तो बेटा ये स्टॉक, और मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लेनोवा कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं, ऐसी कंपनी जिनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, गुड्स बना बनाया खरीद के बेचना काम नहीं है इनका, इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। और मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स कितने तरह के हो सकते हैं बेटा? गुड्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए तीन तरह के। कौन कौन से? क्या लिनोवा कंपनी लैपटॉप खरीदती है? क्या उसके पास में सीधा लैपटॉप आ जाता है, कंप्यूटर्स आ जाते हैं बने बनाए रेडीमेड? ना सर, ना। तो बेटा लिनोवा कंपनी क्या खरीदती है? लिनोवा कंपनी सर लैपटॉप बनाने के लिए, तो हम ये केस ले रहे हैं लिनोवा का, लिनोवा कंपनी लैपटॉप बनाने के लिए सबसे पहले जो खरीदती है वो आपका हो गया, जैसे मान लो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, यानी कि ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स खरीदती है। क्या प्रोसेसर का बिना कंप्यूटर में लगे, लैपटॉप में लगे बिना कोई यूज है? हार्ड ड्राइव का कोई यूज है? रैम का कोई यूज है? नहीं सर, नहीं। इसी तरह और भी बहुत सारे सामान ये खरीदती है, मदरबोर्ड वगैरह हो गया। तो ये जो सारे ये सामान जो परचेज करती है लिनोवा कंपनी, ताकि इनको असेंबल किया जा सके, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके, तो इन सारे जो मटेरियल है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे मटेरियल को बोला जाएगा रॉ मटेरियल। ये सारे जो गुड्स है ये इसके लिए क्या कहलाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदते। क्या ये रॉ मटेरियल ये रीसेल करेगी? हाँ जी सर, रीसेल करेगी, लेकिन पहले इनको प्रोसेसिंग करेगी, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको रीसेल करेगी। इसका पर्पज ये नहीं है कि एचईटी प्रोसेसर बेच दिया, रैम बेच दिया, हार्ड ड्राइव बेच दिया, ये अभी सिर्फ इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो लिनोवा कंपनी के पास रॉ मटेरियल का कुछ ना कुछ स्टॉक होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद में आप अगर कभी भी जाओगे तो आप इसके गोडाउन में चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। फिर आप शोरूम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा सर, फिनिश्ड स्टॉक मिलेगा। यानी कि यहां पे आप चेक करोगे तो यहां पे लैपटॉप कंप्लीट हुए हुए लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो यहां क्या मिल रहा है आपको, लैपटॉप कंप्यूटर, कुछ ना कुछ लैपटॉप कंप्यूटर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, कंप्लीटेड है, और वो लैपटॉप कंप्यूटर फॉर सेल के लिए कहीं ना कहीं वेयर हाउस वगैरह के अंदर स्टोर कर रखे हैं इन्होंने। तो वो लैपटॉप और कंप्यूटर जो है जिनको मार्केट में सेल किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड स्टॉक। तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी इसके पास स्टोरेज में होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा। और जैसे ही प्रोसेस हो गया, लैपटॉप बन गया, तो वो हैंड टू हैंड ही सेल हो जाएगा या फिर उसका स्टोरेज करना पड़ेगा? सर स्टोरेज करना पड़ेगा। तो वो जो लैपटॉप और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होके कंप्लीट कंडीशन में पड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड स्टॉक।
उसके बाद में कोई कहीं आप जाओगे, उसका जो साइट है जहां पे प्रोसेसिंग होती है, असेंबलिंग होती है, उस साइट पे आप क्या देखोगे कि ये जो है बॉक्स बना हुआ है कंप्यूटर का। बॉक्स के अंदर कुछ जो पार्ट्स है, कुछ इक्विपमेंट्स है वो अटैच कर दिए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स बाकी है, कुछ की टेस्टिंग चल रहा है, कुछ अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है, कुछ के अंदर कई पार्ट्स लगने बाकी हैं, कईयों के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होने बाकी हैं। यानी कि यहाँ पे जो साइट है, जो फैक्ट्री की साइट है, वहां पे आप क्या देखते हो कि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, काम चल रहा है। तो ये जो काम चल रहा है, ये जो वर्क पेंडिंग पड़ा है, इस तरह का जो सामान है, क्या इसको सेल किया जा सकता है अभी? नहीं सर। क्या ये रॉ मेटेरियल है, वापस रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रोसेसिंग के अंदर, जो सामान प्रोसेसिंग के अंदर है, उस सामान को हम क्या बोलते हैं? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो सामान मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के अंदर पड़ा है, अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है, कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में बोलेंगे WIP। तो यानी कि स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी तरह का हो गया? तीन तरह का। रॉ मटेरियल, जो सबसे पहले कच्चा माल खरीदा जाता है ताकि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके। फिर जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो वो भी उसके लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि इसको रीसेल करना है इसे। और जो आधी अधूरी कच्ची पक्की कंडीशन में पड़ा है, प्रोग्रेसिंग के अंदर पड़ा है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक ऑफ WIP। तो स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के केस में तीन तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। लेकिन ट्रेडर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, खाली जिसका काम है मर्केंडाइज करना, ट्रेडिंग करना, उसके लिए गुड्स सिर्फ एक ही तरह का होता है, वो कौन सा? फिनिश गुड्स। सीधा रेडीमेड गुड्स खरीदना है, रेडीमेड एज इट इज बेचना है, उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। क्या आपने स्टेशनरी डीलर को देखा है कि वो ये मार्कर खरीद रहा है और उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है? ये तो मार्कर क्या आता है, पूरा रेडी होके आता है, और उसको क्या करना है? सीधा सेल करना है डायरेक्ट। तो स्टेशनरी डीलर है वो केवल और केवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदता है, उसके पास जो गुड्स है वो एक ही तरह का होता है, जिसको हम फिनिश स्टॉक बोलते हैं सीधा। और मैन्युफैक्चर के केस में स्टॉक कितने तरह के हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक। तो चलिए, ये गुड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए था, हमने आज इसको पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि गुड्स क्या होता है, गुड्स की रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, गुड्स के अंदर जो जब भी डील होगी तो हम गुड्स वर्ड की जगह पे ये पांच अकाउंट ओपन करते हैं, इन पांच नाम को यूज करते हैं, जो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जर्नल एंट्रीज वगैरह के अंदर रिकॉर्डिंग करते टाइम अपने को यूज करना है, ध्यान रखना है। इसीलिए हमने इसको आज बेसिक टर्म्स में फर्स्ट डिस्कस किया है कि गुड्स क्या होता है और गुड्स के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो यानी डेफिनेशन तो हमने सिर्फ गुड्स ही समझा है, लेकिन गुड्स के साथ अटैच्ड जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो भी हमने साथ में कवर किया है। क्लियर है? तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।